चश्मीश। यार बेगम आप अभी तक तैयार नहीं हो, आपको पता है हमने जाना भी लेट हो गए हैं। हम यार मैं 10 मिनट में तैयार होती हूँ। यार इसको क्यों मोबाइल दे दिया? क्यों उसे मोबाइल छीन लिया? देखिए वो रोना शुरू हो गई है। दे दे उसे मोबाइल, मैं जब भी कोई काम करती हूँ इसे मोबाइल पकड़ा देती हूँ। आपको पता तो है मैंने तैयार भी होना है। अच्छा आप एक काम करें, मेरा कैचर टूट गया, आप कैचर ले आए और अर्शी के लिए भी कुछ खाने को लेते आइएगा। ये लो बेगम तुम्हारा कैचर। अर्शे बेटा ये देखो आपके लिए मैं बैटरी वाला चश्मा लेकर आया, कितना प्यारा लग रहा है। और आज से मेरी बेटी कहलाएगी चश्मीश। ये क्या बोल रहे हो आप? क्या हो गया आपको? ये बैटरी चश्मा क्या बोल रहे हो आप? तुम क्या कर रही हो उसके साथ? उसके हाथ में मोबाइल देकर इधर बैठे हो, तुम्हें बताता हूँ क्या कर रही हो उसके साथ। सिर्फ अपने सुकून के लिए तुमने उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया। तुम्हें पता है मोबाइल की रोशनी कितनी बच्चों के लिए नुकसानदेह है, और तुमने अपनी आसानी के लिए इसके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया। एक आध घंटे के लिए तो ठीक है बेगम, वो पूरा पूरा दिन मोबाइल चलाती है। पढ़ना लिखना माँ बाप रिश्तेदार उसे कुछ नहीं पता। पता है तो सिर्फ मोबाइल को चलाना पता है, इसके अलावा उसे कुछ नहीं पता। और इस सब के जिम्मेदार हम माँ बाप खुद है, जो अपने जरा से सुकून के लिए बच्चों की जिंदगी से खेल रहे। अब मुझे समझ आ गई है और आइंदा से मैं अपनी बच्ची की जिंदगी के साथ बिल्कुल नहीं खेलूंगी। दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि हम इस मोबाइल को बच्चों की पहुंच से दूर रखें। और जब हम माए बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा देती हैं, हमें नहीं पता बच्चा क्या सीख ले रहा है। दोस्तों मोबाइल की बजाय बच्चों को ओपन एरिया में टीवी लगा के दें, ताकि आते जाते नजर आए वालदैन को वो क्या देख रहे हैं और वो क्या सुन रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको सदका जारिया समझ के दूसरे लोगों तक लाजमी पहुंचाएं। पसंद आए आपके एक शेयर करने से किसी की सोच बदल जाए। अब आज के बाद नया मोबाइल यूज करूंगा। शाबाश।